अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं एनटीएस ट्रैक स्टोर में हूँ शिरजमीन यूसुफजई। इससे पहले मैं मैथ का तकरीबन जो 20 क्वेश्चन थे पीएसटी टेस्ट के जो बटाग्राम में जो पेपर हुआ था उसके वो सॉल्व कर चुका हूँ। बाकी आप जो इस बार जो मैथ पोर्शन है और साइंस पोर्शन बहुत मुश्किल है, तो वो पीटी का मैथ पोर्शन भी मैंने सॉल्व किया है, सीटी के फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का, और एसएसटी जर्नल का भी मैथ पोर्शन मैंने सॉल्व किया है, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, मैथ का पोर्शन आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चंस की तरफ, और इसके मैं 20 क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व कर चुका हूं पीएसटी के जो है ना मैथ पोर्शन का जो बटाग्राम में सीटी की जगह 24 जनवरी को जो टेस्ट हुआ था। तो ये आज इसका साइंस पोर्शन है, बूटेन है क्वेश्चन नंबर 41, और ये हमारे पास क्वेश्चन बुक है, ग्रीन क्वेश्चन बुक है पीएसटी का, जो 10:30 बजे जो पेपर हुआ था। बुटेन हैज डैश, अच्छा, हैज 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। तो बुटेन का जो बेसिकली फार्मूला है वो C4H10 है, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, या कार्बन को आप सीधे एक लाइन में लिखेंगे तो हर एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन, और जो लास्ट वाले कार्बन है उसके साथ मतलब साइड पे भी एक हाइड्रोजन आएगा और दूसरे से भी जो है ना एक, तो इस तरह वो 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है C4H10, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन ह्यूमन The genes of free ear lobes is dash to attached ear lobes, recessive, dominant, co-dominant and incomplete dominant. तो ये हमारे पास जो free ear lobes है ये dominant, B answer हमारे पास इसमें correct answer है। अगला question है, dash digestive system is completely absent, liver fluke है, tapeworm है, planaria है और hydra है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है टेप वर्म, ये पैरासाइट्स होते हैं, बी यानी टेप वर्म, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है टेप वर्म बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास जो होता है 760 मिलीग्राम ऑफ एचजी डैश केपीए, तो ये हमारे पास होता है 101.325, 102.325 और 103.325, तो इसमें हमारे पास जो है वो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 101.325। फिर भी इस क्वेश्चन को आप खुद भी कंफर्म कर लें, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 101.325, जो है बी का आंसर करेक्ट है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक हमारे पास 1 एटीएम होता है, ये किसके 760 mmHg के इक्वल होता है, या इक्वल टू 760 torr के इक्वल होता है, या इक्वल टू 101.325 kPa होता है, फिर मजीद अगर दूसरे यूनिट में इसको इक्वल टू होता है 14.7 PSI के इक्वल होता है, ये तो ये लिहाजा एग्जैक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड इन होलेंड्रिक इनहेरिटेंस, तो ये हमारे पास है 3-4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, और हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हमारे पास होता है, तो ये डी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, साइंस पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 46,
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, डिश इज अ काइंड ऑफ रेडियोलॉजी टेक्निक्स दैट यूज मैग्नेटिज्म रेडियो वेव्स इन कंप्यूटर टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है और ईसीजी स्कैन है और अल्ट्रासाउंड है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास करेक्ट आंसर है एमआरआई स्कैन, बी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टैंडर्ड किलोग्राम इज द मास ऑफ डिश अलॉय सिलेंडर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट इन मेयर्स नियर पेरिस। एल्यूमिनियम प्लैटिनियम है, प्लैटिनियम इरिडियम है और आयरन इरिडियम है, एल्यूमिनियम इरिडियम है। तो ये हमारे पास प्लैटिनियम इरिडियम जो है ना, बी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई नई वीडियो आपसे मिस ना हो, कोई इम्पोर्टेंट वीडियो, और टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिले, ये इसका फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम है, इम्पल्स है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कोलिजन है। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज लीनियर मोमेंटम। ये ए आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका डिफिनेशन है फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम का। द कैपेसिटी ऑफ चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना इज अ डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 275 मेगावाट है, 300 मेगावाट और 325 मेगावाट और 350 मेगावाट। तो 40 इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 300 मेगावाट जो है ना। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिगरेट स्मोक कंटेन्स मोर देन डैश केमिकल्स 3,000, 3,500 or 4,000 or 4,500, 4,500, 3,500, 4,000 or 4,500। तो इसमें हमारे पास तकरीबन होते हैं 4,000 से ऊपर, यानी मोर देन 4,000 केमिकल्स सिगरेट के धुएं में, यानी होते हैं 4,000 से ऊपर। तो ये सी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ये सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वीडियो को आप लाइक करें, बाकी जो पोर्शन है इंशाल्लाह वो भी हम साथ साथ अपलोड करेंगे। मैथ और साइंस का पोर्शन कंप्लीट हम अपलोड कर चुके हैं, तो वीडियो को आप लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।